केंद्र सरकार ने देश के स्वास्थ्य हालात को सुधारने के लिए पूर्णबंदी तो लागू कर दी, लेकिन हालात अब भी सही नहीं है, जिसके बाद सवाल है कि 3 मई के बाद भी बंद की मियाद बढ़ाई जाएगी। वहीं अगर पूर्णबंदी लंबे समय तक चलती है तो देश के निर्यातकों की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी, और अगर निर्यातक मुश्किल में आए तो लोगों के हाथों से रोजगार छिन जाएगा, जिसे लेकर निर्यातक संगठन ने अब सरकार को आगाह किया है। पूर्णबंदी देश के निर्यातकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। 25 मार्च से काम धंधे ठप पड़े हैं, लिहाजा अर्थव्यवस्था का पहिया रुक गया है। हालात ये हो गए हैं, अगर सरकार पूर्णबंदी को आगे बढ़ाती है तो देश के निर्यातकों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा निर्यातक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO ने इस बारे में सरकार को आगाह किया है। FIEO के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ का कहना है, पूरी तरह से बंद लागू किए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और इसके कारण उद्योगों और श्रमिकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अगर ये लंबे समय तक जारी रहा तो निर्यातकों के सामने दिक्कतें आ सकती हैं। आपको बता दें, देश के निर्यात की स्थिति पहले से ही सुस्त है। मार्च में देश का निर्यात 11 साल के सबसे निचले स्तर पर रहा, और अगर निर्यात में गिरावट होती है तो कई सेक्टर्स में छंटनी शुरू हो जाती है, लोगों के रोजगार जाने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि सरकार ने ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरी इलाकों में भी धीरे धीरे रियायतें देना शुरू कर दिया है, जिसका फायदा निर्यातकों को जरूर मिलेगा। DB लाइव की रिपोर्ट।